इस्लाम की कहानी मेरी जबानी के साथ शगुफ्ता जैदी हाजिर खिदमत है। आज की कहानी एक मर्द मोमिन की कहानी है कि जिनका नाम सैयद जमालुद्दीन गुलपाई दानी था। ये इतने मुत्तकी परहेजगार अपने ज़माने के पाए के आलिम थे। तो एक मर्तबा ये इस्फहान के कब्रिस्तान में तशरीफ़ लाए। कब्रिस्तान में जिस वक्त तशरीफ़ लाए तो ये किसी कब्र पर खड़े ज़्यारत पढ़ रहे थे कि अचानक इनके सामने एक नौजवान का जनाजा लाया गया। नौजवान की कब्र को कब्र में लिटाया गया और उसके बाद तमाम लोगों ने जब देखा कि इतने बड़े आलिम दीन कब्रिस्तान में मौजूद हैं तो लोगों ने कहा, उस नौजवान के अजीज़ अकरबा ने कहा कि आइए आप इसकी इनके लिए दुआ कीजिए। सैयद जमालुद्दीन कब्र के अंदर दाखिल हुए और दाखिल होकर जो ही दुआ के लिए हाथ बुलंद किए तो इनको महसूस हुआ कि कब्र के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो महसूस इन्हें होने लगी और इन्होंने महसूस किया कि कब्र के अंदर कुछ चीज़ है। तो वो एकदम से परेशान हो गए। उन्होंने जब नौजवान के चेहरे की तरफ देखा तो उस पर एक अजीब कस्म की वहशत नज़र आई। तो बस ये देख कर, क्योंकि नौजवान का जनाजा था तो आप फौरन कब्र से बाहर आए और एकदम से तमाम लोगों से कहा कि अभी इसके बुरसा से कहा कि इसकी अभी कब्र को बंद ना करना। और फौरन इसके माँ बाप के पास तशरीफ़ लाए और उसके बाप से मुखातिब होकर कहा कि ये बताओ कि क्या तुम अपने बेटे से राज़ी थे पहले? तो बाप ने इस बात में सर हिलाया, कहा कि हाँ राज़ी था, लेकिन आपने दोबारा कहा कि एक दफ़ा दोबारा सोच लो क्या तुम वाकई अपने बेटे से राज़ी थे। तो उस वक्त बाप ने जवाब दिया, कहा कि मेरा बेटा कहने को एक बहुत दीनदार इंसान था, कहने के लेकिन वो एक मस्जिद में मदरसे की तालीम लिया करता था, मदरसे जाया करता था। उसने बहुत अरसा मदरसा पढ़ा और उसके बाद उसके इल्म में इजाफा हुआ, वो एक बहुत इल्म के एक मरतबे पर पहुँचा। लेकिन उसके बाद उसके अंदर एक ऐसा तकब्बुर आया, उसको अपने इल्म पर इतना ज़्यादा नाज था कि जिस वक्त मैं उससे घर में कोई बात करता था तो वो मुझे झड़क देता था और मुझे झड़क कर कहता था कि आप जानते ही क्या हैं, मुझसे ज़्यादा कौन जानेगा, आप क्या जानते हैं। कहते मैं, मुझे ये बात बहुत अजियत देती थी और मैं खामोश हो जाता था और यही वजह थी कि मैं दिल से उसके लिए राज़ी नहीं था। ये बात सुनने के बाद सैयद जमालुद्दीन ने उनकी तरफ मुखातिब होकर कहा कि देखें अपने बेटे को माफ़ कर दें, और फिर तमाम वाक़या सुनाया और कहा कि अपने बेटे को माफ़ कर दें, खुदावंद आलम की खातिर आपका बेटा, वरना उसकी आफत जो है वाफियत के साथ नहीं होगी। बाप माँ बाप एक ऐसी चीज़ है, हकीकत में माँ बाप से ज़्यादा करीम कोई नहीं हो सकता। उन्होंने फौरन रोकर अपने बेटे को माफ़ किया, ये दौड़ते हुए आए और उसके बाद दोबारा कब्र के अंदर दाखिल हुए तो अब इन्हें वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी। उन्होंने उसकी शक्ल को देखा और उसकी तरफ मुखातिब होकर जब तलकीन पढ़ी तो उससे कहा कि अब तुम्हें समझ आ गया। तो नौजवान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, आपने उसके चेहरे को ढका और उसके बाद तलकीन पढ़ाकर जब बाहर निकले और दुआ के लिए हाथ बुलंद किए, उस नौजवान की कब्र को बंद किया गया। तो वो कहते हैं, आलिम दीन कहते हैं कि मैंने फिर कुछ नूरानी हस्तियों को उस कब्र के अंदर जाते हुए देखा और ये कहते हुए सुना कि अब आज के बाद से ये नौजवान हमारे साथ रहेगा। ये एक खूबसूरत वाकया है कि जिसके अंदर हमें दर्स भी दिया गया है कि तुम्हारे माँ बाप की अजमत क्या है। कुरान कहता है कि जहाँ नमाज और ज़कात की बात होती है तो वहाँ कहा जाता है कि अपने माँ बाप की किसी बात पर उफ ना करो, उनको अजियत ना दो और उनके साथ हमेशा अच्छा सलूक करो कि माँ बाप के चेहरे को देखना एक हज का सवाब रखता है।